थॉर लव एंड थंडर रिव्यू हॉलीवुड की फिल्म की एक अलग ही क्लास होती है। अगर फिल्म मार्वल स्टूडियोज की हो बात ही क्या है। मार्वल स्टूडियोज की कई सारी फिल्में आती है और बॉक्स ऑफिस पर छा जाती है। इसी बीच अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 29वीं फिल्म थॉर लव एंड थंडर आज यानी 7 जुलाई को रिलीज हो गई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। अगर आप भी इस फिल्म को देखने जा रहे हैं तो इससे पहले ये रिव्यू जरूर पढ़ ले, क्योंकि इस फिल्म कुछ ऐसी बातें जो सिनेमा घर जाने से पहले जान लेनी चाहिए। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 29वीं फिल्म थॉर लव एंड थंडर रिलीज हो गई है। इस फिल्म को देखने के लिए पहले से टिकट ले रखी है, तो चलिए बिना देरी किए हम आपको मूवी का एक दमदार रिव्यू देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी फिल्म में थॉर का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार फिल्म में खाली एक्शन ही नहीं बल्कि थॉर की लव स्टोरी की देखने को मिलने वाली है। इस फिल्म में थॉर की भूमिका क्रिस हेम्सवर्थ निभा रहे हैं। इस फिल्म में थॉर का नया रूप देखने को मिलेगा जो आपको दिल जीत लेगा। इस फिल्म को देखने के बाद आप एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे। इस बार आपको फिल्म का विलन काफी पसंद आने वाला है। इस बार फिल्म का लीड किरदार थॉर नहीं वल्केरी है। इस फिल्म की एडवांस टिकट बुकिंग से लग रहा है इस बार कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। थॉर लव एंड थंडर में आपको हॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में थॉर की भूमिका में क्रिस हेम्सवर्थ नजर आने वाले हैं। वल्केरी का रोल टेसा थॉम्सन ने निभाया है। इस फिल्म में सबसे दमदार किरदार विलेन का है जो क्रिश्चियन बेल निभा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म को हिंदी और इंग्लिश के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज किया गया है।